और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर लोग अलग अलग तरह के मन्नत कर रहे हैं। ऐसे में लंदन निवासी नितिन भाई भूमिया, जो मूल रूप से गुजरात बड़ौदरा के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने और अब की बार 400 पार का नारा लेकर नितिन भाई भूमिया 71 वर्ष की उम्र में बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकल गए हैं। एनआरआई नितिन भूमिया बताते हैं कि यह यात्रा उन्होंने 1 महीने पहले शुरू की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार की नारे के साथ यह यात्रा को उन्होंने शुरू किया है। देखिए और क्या कुछ कहते हैं वो। देखिए आप भाई साहब, मेरा नाम नितिन भाई भूमिया है, मैं गुजरात से बड़ौदा से निकला हुआ हूँ। मेरी ये यात्रा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 12,000 किलोमीटर विकसित भारत और अब की बार 400 पार मोदी साहब के लिए निकला हूँ। और मैं लंदन में रहता हूँ, मेरी उम्र काफ़ी छोटी है, 17 साल है, लेकिन आप उसको उल्टा कर दो और आज आपने मेरे साथ बात किया, आज मेरी सालगिरह है, आज मेरा 71, मैंने बाबा वैद्यनाथ के वहाँ आशीर्वाद लेके मैंने आज मैंने अपनी बर्थडे उठ दी है। आज मेरा 71 ईयर चालू हुआ आज से मेरा। मेरी बात सुनो, आई एम लिव इन लंदन। ओके, जब भी मोदी जी ने 2012-13 से उन्होंने अपना खानकाह संभाला, पहले हमारी लंदन में हमारी इतनी वैल्यू नहीं थी और उनके आने के बाद हमारा जो स्टेटस बढ़ा है ना, वो उद्देश्य से मैं हिंदुस्तान में भी रहता हूँ, बड़ौदा में भी रहता हूँ, लंदन में भी रहता हूँ। तो मैंने बोला भाई मैं आया यहाँ, तो मैंने बोला ये उम्र में जो आदमी जो काम नहीं कर सकता है, मैंने बोला हार्ली डेविडसन बाइक लेके उन्होंने मेरे एम्बेसडर बनाया हुआ है, मेरा रिकॉर्ड है लंदन टू पेरिस, मैं 10 बार गया हूँ गाड़ी लेकर लंदन से। तो मैंने बोला यहाँ आया हूँ, तो मैंने बोला अपना मोदी जी को मजबूत करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के लिए मत्था टेकूँगा, हमारे बड़ौदा वाले 20 लाख पब्लिक के लिए प्रार्थना करूँगा, रास्ते में जो भी मिले उनके लिए आशीर्वाद और उनके लिए।